Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होनी है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक रिलीज की जाएगी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिलीज डेट 12 अप्रैल रखी गई, लेकिन बाद में इसे 5 अप्रैल कर दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उमंग कुमार फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और विवेक ओबेरॉय पीएम नरेंद्र मोदी के रोल में है। इस तरह चुनावी माहौल में फिल्म को रिलीज करने के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने अपनी शिकायत दर्ज की है, और जो कि बड़ी हैरान करने वाली है, एक बड़े झूठ का जो कह सकते हैं कि पर्दाफाश उन्होंने किया है। ये जावेद अख्तर ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर हैरानी जताई है। दरअसल फिल्म के पोस्टर पर जावेद अख्तर का नाम लिखा गया है और साथ में गीतकार समीर ने भी ऑब्जेक्शन उठाया है। तो जावेद अख्तर ने फिल्म के पोस्टर को शेयर करके ये ट्वीट किया है कि मैं फिल्म के पोस्टर पर अपना नाम देकर हैरान हूं, मैंने फिल्म के लिए कोई भी गाना नहीं लिखा है। इससे पहले भी जावेद अख्तर ने रमजान में लोकसभा चुनाव आने की बात को लेकर चुनाव आयोग पे निशाना साधा था। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता संदीप सिंह ने कहा था, हम इस फिल्म को सार्वजनिक मांग को देखते हुए एक सप्ताह पहले रिलीज कर रहे हैं। लोगों के बीच इसे लेकर बहुत प्यार और प्रतीक्षा है और हम नहीं चाहते कि लंबे समय तक इंतजार करें। पीएम नरेंद्र मोदी में शुरुआत से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक के नरेंद्र मोदी के सफर को दिखाया गया है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला लुक और पोस्टर जनवरी 23 भाषाओं में जारी किया था। तो इस चीज को लेकर जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता है कि अब इलेक्शन है, तो क्यों फिल्म का रिलीज प्रीपोन किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी का भी नाम, मतलब एक वो फिल्म कैसी सच्ची फिल्म होगी जिसमें पोस्टर पे ही झूठ का सहारा लेकर चीज को बनाया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है इसके बारे में आपका, आप क्या सोचते हो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.